संजीव जी, भाजपा सीधे सीधे कह रही है कि बाबा प्रकट हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो एक प्रायोजित कार्यक्रम, जब वो अपनी सत्ता में असफल होती है तो धर्म की आड़ में चलती है। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सन 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्हीं के एक होते थे पीएन ओक साहब। वो कहते थे लखनऊ में जो इमाम बाड़े हैं वो लक्ष्मण मंदिर है। कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद मोदी सरकार बनती है, इन्हीं के मंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी संसद में कहते हैं जो ताजमहल को तजो महल बनाया जा रहा है, कहा कि नहीं, कोई मंदिर के साक्ष नहीं मिलते। फिर 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं है। एक वकील साहब गए, लखनऊ बेंच के जज ने क्या कहा कि पढ़ लिख लो, एमए पीएचडी कर लो, दिक्कत होगी तो आना। फिर उसके बाद हमारी बहनें गई दर्शन के लिए। मामला दर्शन का था, दर्शन का करते करते आज ये प्रायोजित कार्यक्रम में क्या कह रहा हूँ, आज कहाँ आ गया कि दीवार गिराई जाए। दर्शन का था, ये शासनादेश था, आप शासनादेश बदल देते, दर्शन कराते, लेकिन नहीं। और क्या कहा गया, डीएम कह रहा है कि गोपनीय रखनी है। आज अजय मिश्र को हटाया गया, अनियमितता बरतते आरपी सिंह को हटाया गया था, और जज जो कुर्सी पे बैठा, मैं आरोप लगा के कह रहा हूँ कि जज अनुभव तथ्य के आधार पे बोलता है, जज अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं कहता कि मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि पूजा करने का अधिकार था लेकिन इसमें शासनादेश नहीं। देखिए, बात ये नहीं है, अभी जैसा बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, एक पुराणों के साक्ष्य को देखिए, आया है स्कंद पुराण के 97 अध्याय में 220 नंबर का श्लोक है। वहां लिखते हैं कि देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका। अब इसको देखिएगा, जो देव हैं, महादेव हैं, उनके दक्षिण भाग में वापी है, तो यदि दक्षिण भाग में वापी है तो ठीक उत्तर में भगवान शिव का होना चाहिए। तो अभी देखिए, जहां पर वो शिवलिंग मिला है वो ठीक वापी के उत्तर भाग में मिला है। अच्छा, वहीं पर आया पश्चिमे श्रृंगार गौरी, तो जो तथा कथित मस्जिद है, तो मंदिर जिसको ज्ञान वापी मस्जिद कहते हैं, उसके पश्चिम में वहां श्रृंगार गौरी का से चलेगा कि संविधान से चलेगा, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। थोड़ी सी बात पहले पूरी कर लेने दे, पूरी बात इनकी पूरी कर लेने, की बात में कोई नहीं बोला। अरे आगे रुक जाइए, तो पश्चिम दिशा में श्रृंगार गौरी का स्थान था, 30 वर्ष पहले तक अंदर पूजन होता रहा, कोई सरकार आई जो बंद कर दी, तो ऐसे में भगवान स्वयं प्रकट होकर के, देखिए वो भी सोमवार के दिन, बैसाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने अपना साक्ष्य दिया है। दूसरी बात, जो सरोवर मिला है, तो चार सरोवर की चर्चा वहाँ पुराण में है, तो हो सकता है एक सरोवर वो भी हो, आगे और इसका अनुसंधान होगा। आप लोग को भी प्रसन्नता है सपा? नहीं नहीं, प्रसन्नता आपको है, आपने अभी सुना याचिका, आप लोग खुश है कि दुखी? नहीं नहीं, सब खुश हैं, यही तो समस्या है कि ये जो दिखाने की बात है, दोनों पक्ष खुश हैं और पूरा सारा प्रकरण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं, किसी पार्टी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट क्या कह रहा है। लगातार जो बातें कोर्ट से लीक हो रही हैं, आज देख लीजिए आप, कमिश्नर कर दिया उस शिवलिंग को हटाए गए हैं कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो कथित शिवलिंग है जहाँ मिला है, जिस दावा है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज होती रहेगी। कथित शिवलिंग नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और अभी 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 ने जो कांग्रेस पार्टी के जो एक आदमी कहा, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी है, सारे पार्टी जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, धर्म को जानते हैं परंतु उनके प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ये बताइए, वो शिवलिंग है ये तो दावा कर रहे हैं सीधे सीधे, अब आप क्या कहें? भाई ये उनका दावा है ना, वो अपने आस्था के प्रति कह रहे हैं, उनका दावा है। तो अभी जब मामला न्यायालय में है तो हम कैसे उस पर कह सकते हैं? आप लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष शिवलिंग है या दो दिन के बाद कोर्ट कमीशन का कार्रवाई, मतलब आ जाएगा रिपोर्ट, पता चल जाएगा अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, बिल्कुल सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, सारी सच्चाई आ जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।